गायत्री के तृतीय प्राणादि पाद और तुरीय दर्शत परोड़जो पाद की उपासना। प्राण अपान व्यान ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षर वाला ही गायत्री का तृतीय पाद है। ये प्राण आदि ही इस गायत्री का तृतीय पाद है। जो गायत्री के इस पद को इस प्रकार जानता है वह जितना ये प्राणी समुदाय है सबको जीत लेता है। और ये जो तपता प्रकाशित होता है वह इसका तुरीय दर्शत एवं परोरजा पद है। जो चतुर्थ होता है वही तुरीय कहलाता है। दर्शतम पदम इसका अर्थ है मानो ये आदित्य मंडलस्थ पुरुष दिखता है। परोरजा इसका अर्थ है ये सभी रज यानी लोकों के ऊपर ऊपर रहकर प्रकाशित होता है। जो गायत्री के इस चतुर्थ पद को इस प्रकार जानता है वह इसी प्रकार शोभा और कीर्ति से प्रकाशित होता है। प्राण अपान व्यान ये प्राणादि के नाम भी आठ ही अक्षर हैं। ये गायत्री का तृतीय पद है। जो इस प्रकार गायत्री के इस तृतीय पद को जानता है वह ये जितना प्राणी समूह है उस सभी को जीत लेता है। अब आगे शब्दात्मिका त्रिपदा गायत्री का अविधेय भूत चतुर्थ पद बतलाया जाता है। ये जो तपता है वही इस प्रकृत गायत्री का बतलाया जाने वाला तुरीय दर्शत परोरज पद है। तुरियम इत्यादि वाक्य के पदों के अर्थ की श्रुति स्वयं ही व्याख्या करती है। लोक में जो चतुर्थ प्रसिद्ध है वही ये तुरीय शब्द से कहा गया है। दर्शतम पदम इसका क्या अर्थ है सो बतलाया जाता है। ये मंडलांतर्गत पुरुष ददृश ईन अर्थात दिखता सा है इसलिए यह दर्शत पद कहा जाता है। परोरजा इस पद का क्या अर्थ है सो बतलाते हैं। ये मंडलस्थ पुरुष समस्त रजा रजा समूह अर्थात सारे ही लोक को ऊपर ऊपर आधिपत्य भाव से संपूर्ण लोक रूप रजा समूह को प्रकाशित करता है। उपरी उपरी ये द्विरुक्ति उसका समस्त लोक पर आधिपत्य प्रकट करने के लिए है। अच्छे किंतु आधिपत्य तो सर्व शब्द से ही सिद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में द्विरुक्ति तो व्यर्थ ही है। उत्तर ये दोष नहीं है क्योंकि जिनके ऊपर सूर्य दिखाई देता है सर्व शब्द तो उन्हीं के विषय में होगा। इस आशंका की निवृत्ति के लिए द्विरुक्ति की गई है। यह बात जो कि इससे ऊपर के लोक हैं ये आदित्य मंडलस्थ पुरुष उनका और देवताओं के अविष्ट फलों का भी स्वामी है इस अन्य श्रुति से सिद्ध होती है। अतः सभी लोकों का अवरोध करने के लिए यह द्विरुक्ति है। जो गायत्री के इस चतुर्थ दर्शक पद को इस प्रकार जानता है वह इसी प्रकार श्री और कीर्ति से प्रकाशित होता है। जैसे कि यह आदित्य सर्वाधिपत्य रूपा श्री और कीर्ति से तप रहा है।